सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अकबर, वेलकम टू माय चैनल। एक व्लॉग खत्म करा है, दूसरा स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि अब भी निकल रहा हूं उत्तराखंड और अभी पैकिंग वैकिंग हो गई है, अब उत्तराखंड निकलते हैं। बाकी बने रहें वीडियो में यार, आपको वीडियो में मज़ा आएगा। तो थैंक यू सो मच, मैं निकलता हूं अभी, फिर आपको दिखाता हूं कि कैसे कैसे जा रहे हैं और किस काम पे ले जा रहे हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं आगे। You don't see the things I see. I'll tell you things you won't believe. Above the skies over. तो गाइस ट्रेन में तो पहुंच गया हूं यार, बड़ी दिक्कत हो गई थी, सीट वीट मिल नहीं रही थी, मतलब कोच जो होता है ना वो मिल नहीं रहा था, बट मिल गया। अभी सोचा मैं बता दूं कि क्या प्रोग्रेस है आगे, बट अब निकल रहे हैं, ट्रेन तो चल पड़ी है, बस निकलते हैं। अभी वॉशरूम में ही वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बाहर बहुत मतलब ट्रेन की आवाज़ आ रही है ना, तो ठीक से आवाज़ नहीं आ पाएगी। तो निकलते हैं यहाँ से, जैसे जैसे पहुँचता हूँ मैं आपको बताता हूँ। To never give up, to never back down, you get through the storm. So guys, अभी हम मुरादाबाद पहुंच गए हैं, यूपी में मुरादाबाद। अभी हम मुरादाबाद पहुंचे हैं, यहाँ से तकरीबन एक घंटे का रास्ता है क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा टाइम देती है, तो उसके बाद अभी निकलेगी, ये थोड़ा रेस्ट लेगी यहाँ पे, उसके बाद हम निकलते हैं यहाँ से। बाकी एक घंटे का रास्ता बचा है यार, और बीच में कुछ बात नहीं हुई हमारी ऐसी क्योंकि बहुत ट्रेन चल रही थी और ट्रेन की आवाज़ बहुत तेज़ आती है ना, तो इसलिए मेरी वॉइस आती भी नहीं अगर ट्रेन चलते हुए मैं वीडियो बनाता। बट बाकी पहुंचने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में, मिलते हैं रामनगर में आपको। Even the nights, the darkest before the dawn. भाई इतना थक गया ना मैं यार, बहुत थक गया सही में, कमर में दर्द हो गया बिल्कुल बैठे बैठे। अभी यार जैसे कि मैंने बताया मुरादाबाद में रुकी है, अभी चिप्स विप्स लेने थे मम्मी को तो चिप्स विप्स खिला दिए, बाकी यार बहुत थक गया सही में, बट मज़ा आया। अच्छा ट्रेन का सफ़र भी, ट्रेन के सफ़र में भी मज़ा आता है, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी मज़ा आता है। तो देख ही रहोगे आप यार क्या है, कुछ खास स्टोरी नहीं चल रही, बट हाँ ये कि बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। Live your life, live your dream. It's the sound of soul in me, in me. तो यार बड़ी मशक्कत के बाद पहुँचे हैं काशीपुर, और काशीपुर से अभी है करीबन मतलब थोड़े बहुत देर का रास्ता है, आधे घंटे का रास्ता होगा। बाकी यहाँ पे रुकी हुई है यार, बस ये रुकती है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यार बहुत देर हो गई, अभी ट्रेन चल नहीं रही है, काफ़ी देर हो गई है और हम वेट कर रहे हैं। तो भाई पूरे आधे घंटे बाद ट्रेन चल रही है यार, बहुत देर से यहीं खड़ी थी, फाइनली अभी थोड़ी बहुत देर में पहुंच जाएंगे क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, पास में ही है यहाँ से। तो गाइस फाइनली रामनगर पहुंच गए हैं, जैसे कि आपको दिख ही गया होगा, बाकी यार अपने शहर पहुंच गए। बाकी यार पीछे गाने चल रहे हैं तो एडजस्ट कर लेना। बाकी रामनगर पहुंच गए हैं, तो भाई रामनगर तो पहुंच गए हैं यार, ऑटो भी मिल गया है, ये बैटरी है मेरी बहन और अरसुमा। बाकी निकलते हैं यहाँ से, खाला ने खाना वाना तैयार कर दिया, भाई मेरी खाला बहुत मस्त खाना बनाती है, तो बस खाने के लिए निकलते हैं। बाकी रामनगर पहुँच गए, अपना शहर है उत्तराखंड, तो एक फ़ील अलग आता है, मतलब एक अलग फील आ जाता है, मतलब रहते नहीं है बट फील बहुत अच्छा आता है। बाकी निकलते हैं। तो भाई घर पे तो पहुंच गए यार, और बहुत भूख लगी है तो खाना खा लेते हैं। अब खाने में दिखा देता हूँ मैं क्या बना रखा हमारी खाला ने, ये हलवा, ये बिरयानी, सलाद, चटनी और खीर, खीर भी दिखाऊँ, खीर बना रखी है और दही बल्ले, बहुत प्यारा खाना बना रखा है। और मेरी खाला वैसे बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो यह है मेरी खाला और यह है मेरे खालू, बहुत प्यारा खाना बनाती है और बहुत तेज भूख लगी है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। तो थैंक यू सो मच, अगर यहाँ तक आपने ब्लॉग देखा तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।